किया था, जब शुरू किया था तो मैं काफी जगह बता चुका हूँ, मैं घर वालों से छुप के मैंने किया था, क्योंकि मेरे फादर को ये पसंद नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँ। मैं हाँ बहुत सख्त, तो मैं जॉब करता था कहीं और काफी अच्छी जॉब का था, तो उनको ये लगा कि पता नहीं ये एक्टिंग चैक्टिंग करेगा, ये सारा काम वाम छोड़ देगा, पता नहीं क्या क्या होता है। उन दिनों एक्टिंग जब यू नो प्राइवेट प्रोडक्शन नहीं आई थी, तो उससे पहले सब बोला जाता था कि एक्टर्स को इतना नहीं, कुछ मिलता नहीं है, कुछ होता नहीं है इनके पास, इस किस्म की बात। तो मैं छुप के किया और मैंने कहा मैं एक आध ड्रामा करता हूँ, बाकी मैं प्रोडक्शन वगैरह करूँ। तो मैंने एक ड्रामा किया, मेरे ख्याल से वो जहर था, जहर था, एक टेलीफिल्म थी। और उस दिन मैं फिर सुबह दूसरे दिन जब मैं निकला तो हर कोई ये बोल रहा था वो जहर वाला लड़का, ये वो है जहर वाला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल, इसमें तो बड़ा मजा आता है। सही। सब जब तो अब्बा को नहीं पता चला कि ये जहर पता चल गया। और वो ऐसे कि जब बब्बू को भी नीचे लोगों ने बताया, वो मस्जिद गए जहाँ कहीं जा रहे हैं, तो उनको लोग बता रहे हैं कि भाई वो आपके बेटे को कहाँ देखा, बोलते वो फलाने ड्रामे में आया था। तो जब उनको वो इज्जत मिलना शुरू हुई ना, और लोगों ने, लोगों की एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई इस काम के लिए। अब आप देखें कि अब मीडिया कितना तरक्की कर रहा है, अब लोग आना चाहते हैं, पहले लोग रोकते थे अपने बच्चों को, अब तो बच्चे अभी से ये मीडिया साइंस ये सब पढ़ना शुरू कर दिए है। हाँ। फिल्म मेकिंग में जा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो बड़ा फर्क पड़ गया। अब वैसे ही तो बीवी है घर पे, वो बोलती है कि भाई यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, आज जरूरी नहीं है जाना या फलाना, अब वो साथ ही रखता, मतलब तुम भी आओ भाई साथ चलो। हाँ अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो होता है जब आप छोटे होते हैं तो आपकी कुछ शरारतें होती हैं, आप करते हैं। और आप मैंने की और बहुत पिटाई, बहुत मार खाई। खुद कैसे वालिद, खुद कैसे, किस तरह का रवैया है? अब्बू बहुत सख्त है और निकलने नहीं देते थे हमें बाहर। मुझे तो बहुत कम, मेरे छोटे भाई मेरे अब्बू से ज्यादा फ्री थे, बट मैं पता नहीं आज तक उनसे बहुत डरता हूँ। अच्छा, लेकिन आपने रोमांटिक किरदार बहुत ज्यादा किए हैं जी, आप समझते हैं कि दैट कम्स नेचुरली टू यू, रोमांस? मेरी जिंदगी में रोमांस ही नहीं था, मैं सारा रोमांस मैंने जो है ड्रामों में पूरा किया है, फिल्मों में किया है, और आज तक कर रहा हूँ, आज तक पूरा नहीं हुआ। तो वो कभी हाँ कितना शौक होगा आपको, पहली दफा रोमांटिक डायलॉग जो बोला था, मुश्किल था बोलना खातून की आंखों में आंखें डाल के? अब तो माशाल्लाह से नहीं, पहले तो मैं कुछ ज्यादा ही आंखों में आंखें डालता था, अब मैं पक्का हो गया हूँ उसके अंदर, अब बहुत तरीके से करता हूँ। मैं देखता था, मुझे लोग बोलते भी थे यार तुम तो ऐसे देखते हो लड़की को जैसे खा जाओगे, जरा तरीके से देखा करो। मैं नहीं, मैं तो पूरा एक्सप्रेशन देता हूँ मुझे रोमांस करना है। बट खैर वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं और फिर खुद ही कंट्रोल आ जाता है। अरे कभी रोमांस से एक्शन की तरफ भी उस तरह से दिल किया कि मैं एक्शन हीरो के तौर पे जरा बॉडी शॉडी बनाकर? और हमेशा एक्शन, हर बंदा एक्शन हीरो बनना चाहता है। अब बात यह कि हमारे यहाँ जरा ड्रामे में इतना एक्शन होता नहीं है, लेकिन यस मैंने एक दो फिल्में की उसमें एक्शन था, और अभी मैं जो फिल्में कर रहा हूँ एक दो फिल्में हैं जिसमें काफी भरपूर एक्शन है, इतना एक्शन मैंने कभी किया नहीं। अच्छा, और आपको लगता है कि वो लोग ज्यादा पसंद करेंगे या लोग हुमायूं सईद को एज रोमांटिक? देखिए जो भी मैं काम करूँ, फिल्म करूँ या मैं टीवी करूँ, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ वो काम अच्छा है, अगर एक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी एक्शन फिल्म होनी चाहिए, कॉमेडी हो तो बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म होनी चाहिए, रोमांस हो तो बहुत अच्छी रोमांटिक फिल्म होनी चाहिए। फिल्म अच्छी है आप खुद ब खुद उसमें अच्छे लगेंगे। कितना जरूरी है अच्छा रोमांटिक कैरेक्टर के लिए, कि अपोजिट जो आपकी अदाकारा है उसके साथ केमिस्ट्री है वो आपको पसंद? बहुत जरूरी है। कभी ऐसा भी हुआ किसी नापसंदीदा के साथ? मुझे सब पसंद है, सब अच्छी है और सब मेरे साथ, क्योंकि मेरी दोस्त है, मेरी सबसे काफी लड़कियों से मेरी केमिस्ट्री काफी अच्छी है और हो ही जाता है कुछ ना कुछ। इसका क्या सीक्रेट है इतनी अच्छी? इसका सीक्रेट कुछ नहीं है, दोस्ती। जब भी आप मिले हैं उनसे तो बात करें अच्छे तरीके से करें, और तरीके होते हैं उसमें, आप उनसे दोस्ती कर लें, कोई किसी से नहीं होती आप कर लें, आप जितना स्वीट रहें खुद ब खुद, और हम पहले से सोच भी लेते हैं। अब मैंने actors, actresses, आपके साथ काम किया है, आप कोई स्वीट नहीं होते। सीरियसली नहीं था ये कौन सा ड्रामा था, मैं तो सीरियसली भूल ही गया। बहुत पहले जख्म, जख्म लेकिन नाम ही ऐसा था जख्म। मैंने तो विटनेस किया है ना इस वीडियो से, जख्म जो है आपका अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक हरा है जख्म, हरा है आपका जख्म। इसे मुझे तो पता कि यू नॉट दैट स्वीट है, आप नहीं, वो हो सकता है अपने कुछ होगा, कोई वजह होगी, होता है कि ये इनके साथ कोई वजह होगी, आप मुझे सही लिप नहीं कराती होगी, ऐसे ही कुछ बोला छोड़ो जल्द। और मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ अगर कोई नखरे करता है या जरा सा
रिजर्व रहने की कोशिश करता, मैं उससे 3 गुना ज्यादा रिजर्व हो जाता, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, खैर मैंने क्योंकि मैंने 70-75 पता नहीं 80-100 ड्रामे इतने सीरियल्स किए थे कि एक उनमें से, लेकिन ज्यादातर से मेरी दोस्ती है, ज्यादातर से मेरी केमिस्ट्री बहुत बहुत बेहतर थी। अच्छा, ये इसमें इसका मतलब है दूसरी जो को एक्टर है आपके, उनका अमल दखल होता है कि उनकी केमिस्ट्री आपसे अच्छी हो जाए, क्योंकि अगर वो एटीट्यूड दिखाएं तो फिर तो आप बिल्कुल ना करें। कभी ऐसा हुआ कि कोई खातून इतनी हसीन है कोई एक्ट्रेस को, इतना आप कहते हो नखरे भी कबूल? मानूर, मानूर वो एटीट्यूड दिखाती थी, मानूर बहुत रिजर्व और सीरियस रहती थी, तो मुझे बड़ा डर लगता था। और शुरू के प्लेज में मैंने जो एक दो प्लेज उनके साथ किए, उनके साथ मेरा कोई रोमांटिक वो नहीं था, यू नो काम ऐसा नहीं था, लेकिन मैं डरता, मैंने कहा यार ये तो बात ही नहीं करती। एंड शी इज ब्यूटीफुल, शी वाज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी और हैं, तो हम देखते थे, हम बोले यार कितनी अच्छी है, मेरा कभी इसके साथ कोई पेयर होना बड़ा मजा है। बट कुछ अरसे के बाद मेरी उनसे दोस्ती हो गई और फिर हम एक दो ड्रामे हमने किए, 3 ड्रामे किए, तो फिर सही हो गया सब। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें तो देख के डर जाता था कि तुम्हारे साथ जब भी मैं एक्टिंग करूंगा कि रोमांस कैसे होगा, तुम्हारे साथ हो नहीं सकता। कहती नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैंने कहा नहीं तुम इतनी सीरियस रहती। कहती हाँ नहीं, मैं नए नए लड़कों को लिफ्ट नहीं कराती ऐसे, ठीक है। तो कहती नहीं, फिर वो तुम्हें देख लिया, तुम्हारे साथ काम किया, तुम तमीज के थे, तो मैंने फिर चल पड़ा सब कुछ। अरे मुझे बताओ भाई, आपके हुस्न का रोब होता है खास, जब आप किसी भी हसीन मर्द या औरत से मिलते हैं तो उसका आपके ऊपर एक धाक सी होती है, आप पे होती है? बिल्कुल होती है। आप मरूब हो जाते हैं कि वाह यार व्हाट अ ब्यूटी। यस, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो क्या उस, क्या इंग्रेडिएंट, क्या लवाजमात होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन अट्रैक्ट्स यू, किस तरह की होनी चाहिए किसी को ताकि वो आपको इंस्पायर करे, अट्रैक्ट करे? देखिए सब बातें करते हैं, हाँ मुझे किसी का रवैया बहुत अच्छा लगता है, वो शक्ल सबसे पहले होती है, वैसे सबसे पहले आप देखते हैं पर्सनालिटी, क्या हाइट है, क्या शक्ल है माशाल्लाह, क्या आंखें हैं, क्या बाल हैं, ये सब आप देखते हैं जो पहली दफा आप देखते हैं, ठीक है। और वो सब बदल जाते हैं बाद में, नहीं वो ऐसा नहीं, इंसान की बात करने का तरीका ही होता है और वो एक अदा होती है, बट पहले सबसे पहले आप देखते हैं शक्ल कैसी है, क्या, फिर उसके बाद जो चीज है, जब भी आप इंसान से मिले तो जितना वो हंसमुख है, वो अच्छा इंसान है, या स्वीट है, खातून है, तो डेफिनेटली उससे ज्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल सही। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारी बातें हमें भी और करेंगे हुमायूं सईद से भी, और अपने अगले मेहमान को भी मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी, सरवत गिलानी भी हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन ब्रेक ले रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। मुलाकात कर रहा हूँ आपकी अपनी अगली मेहमान से, बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, एक बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर, उसके साथ साथ फिल्म मेकिंग उन्होंने पढ़ी हुई है, कुछ ड्रामों में एक्ट किया और फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया, और जहां जहां उन्होंने काम किया है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जानी पहचानी और मानी गई है।